एटा के कासगंज में आक्रोशित परिजनों ने युवती का शव रखकर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल मामला थाना मिरहची का है, जहां पर कुछ दिनों पहले एक युवती को कुछ लोगों ने गोली मार दी थी, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने की वजह से उसे आगरा रिफर किया गया, लेकिन युवती की सोमवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं युवती की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने थाना मिरहची के एटा कासगंज हाईवे पर शव रखकर दोषियों को जेल भेजने की मांग को लेकर जाम लगा दिया। वहीं घंटों तक लगे जाम के चलते वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस कप्तान उदय शंकर सिंह ने शांति व्यवस्था बनाने के लिए मिरहची की बात करें तो बाजार बंद कराया और लोगों को घर रवाना किया। मामला यह है, 26 तारीख को बीनू के गोली मारी गई थी, दीपू बंटी आदि इत्यादि चार लोगों ने। 27 को पकड़ लिए और उन्होंने छोड़ दिया, हमें 28 को धरना दिया तो गिरफ्तार कर लिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सभी भारतीय नागरिकों से, वो मुलजिम था दुष्यंत, मुलजिमों का घर छान मारा नहीं, लेकिन उसी का घर मशीनों लगा कर और कुत्तों से लगा कर छीना लगाया गया। उसमें जो सोने की दो चीज़ तीन चार चीज़ें वो भी गायब हो गई, और उसके बाद जब गोली वहाँ से आई निकल कर सील होकर गए 315 की, तभी एसओ साहब ने वहाँ तमंचा निकाला है। मैं पूछना चाहता तब मशीनों से छान मारा तमंचा कहाँ से आया? देखिए, एक महिला थी 23 वर्षीय, जिनकी 26 अक्टूबर को सभी तरीके से पुलिस के द्वारा धारा 307 IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकरण किया गया है। जी, इसमें विवेचना के प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन व साक्ष संकलन की कार्यवाही वैज्ञानिक तरीके से चल रही है। जी, और विधि अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। परिवारिक जनों को समझाया बुझाया गया है, की समझ में आ गई है कि विधि अनुकूल जो भी कार्यवाही होगी, जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।